हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हिमाचल की बड़ी मशहूर डिश जिसे बोलते हैं खट्टा, जैसे कि बाहर जैसे चंडीगढ़ वगैरह साइड या अदर स्टेट में इसको बोलते हैं गलगल। तो आज मैं दो तीन वैरायटी के दिखाऊंगा इसके। जैसे नींबू होता है छोटे वाला, उसी की बड़ी वैरायटी में उसको खट्टा बोलते हैं। और एक बड़ी मोटी स्किन का होता है, उसे हम बोलते हैं घमीर। तो आज मैं उसको दिखाऊंगा और कैसे बनता है। उसका जो बनने का तरीका है, उसमें डलता है एक बाबरी वाला नमक जो बड़ा ही मशहूर है हिमाचल में। तो उसमें कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जाते हैं जैसे भाबरी, आई डोंट नो द नेम ऑफ इन इंग्लिश फॉर भाबरी, बट सिमिलर ऑफ तुलसी, जैसे तुलसी की तरह ही होता है वो। और रेस्ट उसमें कुछ मसाले जाएंगे, जैसे कुछ मसाले ज़्यादा तो नहीं जाते, हींग डालते हैं उस पर। बाकी उसमें जो है लहसुन जाएगा, पुदीना जाएगा और भाबरी और नमक। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे बनता है। देखिए इस तरह का पेड़ होता है, मैंने बताया ना आपको कि दो तरह की होती हैं वैरायटी। तो इसको घमीर बोलते हैं वैसे, और दूसरे को खट्टा बोलते हैं, है वही वैरायटी है ही। देखिए येलो कलर के हो गए हैं, पहले ग्रीन कलर के होते हैं, तो पहले इनको निकालना पड़ेगा। इसकी जो स्किन है काफ़ी मोटी होती है, और जो खट्टा होता है उसकी पतली होती है। इस साइड भी लगा है, देखिए इस तरह का पेड़ होता है इसका। मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ, इस तरह के होते हैं। देखिए साइज की ना छोटी होती है, लेमन जैसी है, लेमन की फैमिली की है, साइज में थोड़ी छोटी होती है, पर ये थोड़ी स्वीट होती है। पहले मैंने बताया वो है आपका घमीर, जिसको बोलते हैं काफ़ी मोटी स्किन होती है। तो चलिए अब आपको खट्टे दिखाते हैं। ये देखिए ये है घमीरनी छोटी वाली साइज की। ये जो है गमेडी है, काफ़ी छोटे साइज की रहती है। और ये है खट्टा, इसको बोलते हैं खट्टा यहाँ पे, जैसे गलगल बोलते हैं इसको। और ये गमेडी है, और ये है आपका गमीर, इसकी स्किन है इससे काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, और ये थोड़ा मीठा भी रहता है, और ये ज़्यादा खट्टा रहता है। और ये आगे की रेसिपी भी रखता हूँ मैं इसकी, कैसे बनता है। तो गैस फिर भाभी वाला नमक बनाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए। भाबरी वाला नमक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे नमक लिया है, नमक के साथ मैंने हींग लिया है, ये साथ में मैंने पुदीना लिया है, कोरिएंडर, और ये मेन इंग्रेडिएंट्स भाबरी, और तीन लहसुन की गुटलियाँ ली है मैंने, और
तीन से चार मैंने मिर्ची ली है स्मॉल साइज़ की। तो देखिए ये होल इंग्रेडिएंट्स है भावरी वाले नमक बनाने के लिए, और इस नमक का यूज़ हम खट्टे के लिए यूज़ करते हैं, गलगल खाने के लिए, और जो फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं जैसे ब्लैक सोल्ट लेते हैं तो उसकी जगह हम ये भावरी वाला नमक लेते हैं। ये बड़ा ही फ्लेवरफुल नमक है जो कि हिमाचल में ही मिलता है। देखिए गैस ये अब इस पर नमक डाल रहे हैं, धनिया और भावरी का मिक्सचर है ये, मिर्ची लहसुन ये नमक और ये हींग डाल रहे हैं भावरी वाला नमक के लिए। तो इसको अच्छे से पीसेंगे और इसका बड़ा फ्लेवरफुल एक नमक बनता है जिसको भावरी बोलते हैं हिमाचल में, भावरी वाला नमक। देखिए गैस ये स्टाइल होता है इसको पीसने का, ऐसे तो इसको मिक्सी में पीस सकते हैं पर मिक्सी में वो चीज़ नहीं मिलेगी हमें, मतलब ये नेचुरल फ्लेवर आता है इसमें, स्टोन में पीसने से और स्टोन में पीसा जाता है ये। अभी इस पर जैसे नमक और डालेंगे, जैसे अभी तो इसको पीस रहे हैं, नमक ज़्यादा मिलाएंगे फिर इस पर। ये फ्रूट्स वगैरह या आपके गलगल खट्टे जो रखे हुए हैं किसी के भी साथ खा सकते हैं इसको, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं एक दो साल के लिए, आप टाइट कंटेनर में डाल दें उसको, और जब भी आपने कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने हैं तो ये नमक का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए देखिए जो भावरी वाला नमक है हमारा वो बन गया है, देखिए कुछ इस तरह का होता है भावरी वाला नमक। ये प्रोसेस था इसका ग्राइंड करने का। देखिए चलिए फिर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ मैं। देखिए गाइस अब इसके छिलकों में निकालेंगे, जो गमीर है इसके काफ़ी मोटे छिलके होते हैं और खट्टे के इतने मोटे नहीं होते। चक्षु और बाकी को भी पसंद आ गया ये। देखिए बड़ा पीस मांग रही है, तो बहुत खट्टा होता है यार चक्षु, खट्टा होता है पाकू। खाओ खाओ। तो अब पील करने के बाद इसको कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, और इसमें चीनी भी जाएगी, चीनी भी ले ली है हमने, और ये पिसा हुआ नमक है भावरी वाला। देखिए गैस तो सारी कटिंग हो चुकी है, इसमें नमक मिलाएंगे भावरी वाला नमक। इस पे चीनी डालेंगे, चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हो, इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो गाइस तो ऑलमोस्ट हमारा गलगल और गमीर तैयार हो गया है, खट्टा और गमीर तैयार हो गया। देखिए देखिए गाइस
How does it look like of our khatta and gummy? देखिए इसको ज़्यादा देर धूप में नहीं रखते नहीं तो ये कड़वा हो जाता है, इसको जल्दी खाना पड़ता है। मैं दोनों खाओगे आप दोनों इसको, है ना? पाकी को तो देखने दो, पाकी कहाँ रहेगी। चलो गैस, तो हमारा खमीर और खट्टा तैयार हो गया बनके, अब खाने का टाइम है। आओ पाकी, आप भी खाओ, आ जाओ दोनों खाओगे। हाँ लो, दोनों लो, करो टेस्ट। मिर्ची भी है तो इसमें, मिर्ची भी है इसमें। चलो गैस, तो फिर मैं भी खा लेता हूँ। अब पाकू टेस्टी है। मिर्ची है यार, नहीं है वो, देखो मिर्ची लग गई उसको। मम लो मम, आप लगेगी आपको ही मिर्ची। बाकी मम पियो, आओ मम पियो, जल्दी मम पियो, जल्दी जल्दी। बस खाओ दोनों, चलो खाओ जल्दी 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 खाओ। खा लो तुम।